सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारा शेरावाली जी दा भोल सांचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सप्त श्लोकी दुर्गा शिववाच देवी तं भक्त सुलभ सर्व कार्य विदायिनी कलो हि कार्य सिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्यो वाच शृणो देव प्रभक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनम् मया तवेव स्नेहेन प्यम्बा स्तुतिः प्रकाश्यते। अस्य श्री दुर्गा सप्त श्लोकी स्तोत्रमन्तस्य नारायण ऋषि अनुष्टुभ छन्दः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्री दुर्गा प्रीत्यादम् सप्त श्लोकी दुर्गा पारे विनियोगः। चेतांसि देवी भगवती सा बलाना कृष्य महाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृताहर्षि भेदिम च शयन्तो स्वस्थे स्मितामतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखवयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदाचित्ता सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमस्तुते। शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यापि हरे देवि नारायणि नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्रारिणो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। रोगान् शेषान्नपहन्ति तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणाम् त्वामाश्रिताया शयतां प्रयान्ते सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरि। एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशन। ॐ श्री दुर्गायै नमः। श्री दुर्गाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् ईश्वरवाच शरणाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सति। ॐ सति साध्वी भव प्रीता भवानी भवमोचने आया दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारणे पिनाकधारिणी चित्रा चण्डघण्टा महातपा महाबुद्धिरहङ्कार चित्तरूपा चिताचितिः सर्वमन्त्रमयि सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणि अनन्ता भाविनी भव्या 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 सदा गतिः
शाम्भवी देव माता च चिंता रत्ना प्रिया सदा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णानेक वर्णा च पाटला पाटलावती पट्टांबर परिधाना कलमंजीर रंजनी अमेय विक्रमाक्रूरा सुंदरी सुरसुंदरी वन दुर्गा च मातंगी मतंग मुनिपूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चंद्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा जैव वाराही लक्ष्मी च पुरुषाकृति विमलोत्कर्षणी ज्ञान क्रिया नित्या च बुद्धिरा बहुला बहुल प्रेम सर्ववाहन वाहन निशुंभ शुंभ हनने महिषासुर मर्दने मधुकैरवहन्त्रे च चण्डमुण्ड विनाशने सर्वासुर विनाशा च सर्वदानवघातने सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वात्र धारिणी तदा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी जैककन्या च केशोरी युवती रते अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी गौररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रिस्तपस्विनी नारायणी बद्धकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूतीकराले च अनन्ता परमेश्वरे कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी व्याहिदं प्रवढे नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकं नासाध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायमयं हस्तिनमेव च चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभेन्मुक्तिं च शाश्वतीं कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयेत् परया भक्त्या पठे नाम सदाचकं तस्य सिद्धिर्भवे देवि सर्वे दुर्वरैरपि राजानो दासतां यान्ति राज्यश्रियमवाप्नुयात् गोरोचनालक्तकुङ्कुमेण सिन्दूरकर्पूरमधुत्रयेण विलिङ्गयन्द्रं विधिना विलिङ्ग्यो भवेत् सदा धार्यते पुरारिः वामावाच्यानि शामग्रे चन्द्रे शतमिशाङ्गते विलिख्य प्रपटे स्तोत्रं सभवे सम्पदा पदा इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की प्रातःकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामिश से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्ति ही नहीं सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्य आरती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पसारते। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। अथ दिव्याः कवचम् ॐ अस्य श्रीचण्डे कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टव छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरो वीरा दिगवन्धदेवतास्तत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशतीपारङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जगद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां
यन्न कस्याच राख्यातं धर्मे ब्रूहि पितामह ब्रह्मवाच अस्ति गुह्यतमव्यप्र सर्वभूतोपकारकम् देव्याचो कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने प्रथमं शैलपुत्रे च द्वितीय ब्रह्मचारिणे तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चतमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तानेतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निनादयमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे द्विषमे दुर्गमे चैव भयाताः शरणं गताः नातीर्थं जायते किञ्चिदशुभं रणसङ्कटे नावदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि ज्येष्ठ भक्त्या सुधा नूनं तेषां मृत्ये प्रजायते ज्येष्ठा स्मरन्ति देवेशि रक्षचेतान सन्तयः श्वेतसंस्थातु चामुण्डावारा एवैशासन यन्द्रियसमारूढा वैष्णवे गरुडासन माहेश्वरी वृषारूढा कौमारीशिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंसमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येतामातरा सर्वा सर्वजगसमन्विता नानावरणशोभाढ्या नानारत्नपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्या क्रोधसमाकुला शङ्खं चक्रं गदाब्जं च मुसलायुध केलकन्दामरं चैव पर्शं पाशमेव च कुन्दायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्वानुदानितं देवानां च हिताय वै नमस्ते तु महारौद्र महाघोरपराक्रमे महाबले महासाहे महाभयविनाशने त्राहिमां देवि दुष्प्रेक्ष शत्रूणां भयवर्धने प्राचारक्षतु मामेन्द्रे आम्ये आमग्निदेवता दक्षिणे वधु माराहि नैरृत्यां खड्गधारणे प्रतीच्यां वारुणे रक्ष वायव्या मृगवाहिने उदीच्यां वाचु कौमारी ऐशान्यां चोलधारणे ओदं ब्रह्माणि मे रक्ष अधस्ता वैष्णवे तदा एवं दशदिशो रक्ष चामण्डाशवाहना जयामे चाग्रता पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे च पराजिता शिखामुद्योतनी रक्ष उमामूर्ध्ने व्यवस्थिता मालारै ललाटे च बृहरक्षे यशस्विने त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खने चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोद्वारवासने कपोलौ कालिका रक्ष कर्णमूले तु शङ्करे नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्णे च चर्चिका अधरे च मृतका जिह्वायां च सरस्वते दन्तां रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिका चित्तघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चौकं रक्ष वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवाया भद्रकाली च पृष्ठवञ्चे गणोद्धरे नीलग्रीवा वही कण्ठे नलिका नलकोमरे स्कन्दयो गणगणे रक्ष वाहो मे वज्रधारणे अजयो दण्डने रक्ष अम्बिका चाङ्गुलेश च नखाञ्जोलेश्वरे रक्ष कुक्षो रक्ष कुलेश्वरे तनो रक्ष महादेवी मना शोकविनाशने हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारणे नामौ च कामिणे रक्ष गुह्यं गुह्येश्वरी तदा भूतना कामि काम्येद्रं गुहे महिषवाहिने कटयां भगवती रक्ष जानुने विन्ध्यवासने
जंगे महाबला रक्ष सर्व काम प्रदायने गोलभयोर्नारसिंहे च पादपृष्ठे कृते यते पादाङ्गुलेषु शीलक्ष पादादत्तलवासने नकादशाकराले च केशा चैव त्वकेशने परमकोपेश कौवेरि त्वजं भागेश्वरि तथा रक्तमज्जावसामाधान्यस्तिभेदान्ति पार्वते मन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरे पद्मावति पद्मकोशकभेचूडामणिस्तदा ज्वालामुखे नखज्वाला भवेद्या सर्वसन्दिश शुक्रं मन्वानि मे रक्ष छायां क्षत्रेश्वरे तदा अहङ्कारं मनोबद्ध्य रक्षन्मे धर्मधारणे प्राणापाणौ तथा व्याणौ प्रधानं च समानकम् वज्रास्ताज मे रक्ष प्राणं कल्याणशोभन रसरूपे च गन्धे च शब्दस्पर्शे च योगिने सत्त्वानजस्तमश्चैव रक्ष नारायणे सदा आयुः रक्षतु महाराये सर्वं रक्षतु वैष्णवे यदा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रणे गोत्रविन्दानि मे रक्ष पशुर्मे रक्ष चण्डिके पुत्रा रक्षन्महालक्ष्मी भार्यां रक्षतु वैरवे भवन्तानां च वदा रक्ष्य मार्गं क्षेमकरे तदा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थिता रक्षायेण त्वयस्थानं वर्जितं गोचरतम् तत्सर्वान् रक्ष मे देवे जयन्ति पापनाशने फलमेकं न गच्छतु जलेच्छ शुभमात्मनः कवचेनाभृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रावलाभश्च विजया सार्वकामिकः जयाञ्चिन्तयते कामन्तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वरमदुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते भक्तः सङ्ग्रामेषु पराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम् यापने त्वयतो नित्यं त्रिसन्ध्यासत्यान्वितः देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्व पराजितः जीवे वर्षशतं साकम् अपवेच्च विमर्जितः नश्यन्ति व्याधयाः सर्वे लोता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिधानानि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूतराखेतराश्चैव जलजाक्षोपदेशिकाः सजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला ग्रहभूतमिषाटा च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्माण्डा वैरवादयः नश्यन्ति दर्शनाथस्य कवचे विलसिते माणोन्नतिर्भवेदाज्ञस्ते यो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सप्तयतिं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं दत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मे जन्यां सन्तले पुत्रपाचके देहान्ते परमस्थानं जश्चरैरमिदुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमरूपं जीवेन स मोदते अथार्गलास्तोत्रम् ॐ अस्य श्री अर्गलास्तोत्रमन्तस्य विष्णो ऋषि अनुष्टवसन्दः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता श्रीजगदम्बा पीतये सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डवाच ॐ जयन्ति मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतातिहारिणि जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। मधुकैटव विद्यावि विधात्रि वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो देहि। महिषासुरनिर्णाधि भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि। रक्तबीजमदे देवि चण्डमण्डविनाशिनि। रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि। शुम्भस्येवनि शुम्भस्य धूम्राक्षस्य जमर्दनि। रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि। बन्धिताङ्घ्रिजुगे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि। रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि। अचिन्तरूपचरित सर्वशत्रुविनाशिनि। रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि। नदेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे। रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि। स्तुवद्भ्यः भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याविनाशिनि। रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि। चण्डिके सततं यत्त्वमर्चयन्ति ह भक्तितः। रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम्। रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि। विदेहि दृशनाम्नाशं विदेहि बलमुच्चकैः। रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि। विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमाशयम्। रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि। सुरासुरशिरोरत्ननिकृष्टचरणेऽम्बिके। रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि। विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु। रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि। प्रचण्डदैत्यदर्पग्ने चण्डिके प्रणताय मे। रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि। कृतुर्भुज चतुर्भक्त संस्तुते परमेश्वरि। रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि। कृष्णेण संस्तुते देवि षष्ट्वद्भक्त्या सदाम्बिके। रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि। हिमाचलसुदानाथ संस्तुते परमेश्वरि। रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि। इन्द्राणि परिसर्वाः पूजिते परमेश्वरि। रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि। देवि प्रचण्डदोर्दण्ड दैत्यदर्पविनाशिनि। रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि। देवि भक्तगणोधाम दत्तानन्दोदयम्बिके। रूपं देहि जयं देहि जशो देहि द्विजो देहि। पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुदारिणि। तारिणि दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवम्। इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठे नरः। साधु सप्तशति सङ्ख्या परमा पुनोति सम्पदा। अथ कीलकम्। ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवा ऋषिः अनुष्टवछन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बामित्यर्थ सप्तशतीपाणाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच। ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय
दे दिव्य चक्षुज श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमाचारिणे सर्वमेतन्नियानीयानन्दानामविकीलक सौविषेममवाप्नोति सतदर्याप्य तत्परः सिद्धस्तु चाटनादीनि मोक्षे सकलान्यमे एतेनास्तुमतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति नामन्तानौषधं तच्च न किञ्चिदपि विद्यते व्याजापेन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिक समग्राणि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमामरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेव मिदं शुभम् स्तोत्रं मे चण्डिकायास्तु चच्च गुप्तं चकारथ समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथा विनियन्त्रणाम् सोऽभिक्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न सञ्चयः कृष्णाया वा चतुर्दश्य अष्टम्या वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नाण्यते प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्कीलां विधायेन नित्यं जपति संस्मरणम् स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वा जायते नरः न चैवाप्यस्तस्य भयं क्वापेह जायते नापमृत्युवशं जाति मृतो मोक्षमाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यते ततो ज्ञात्वेव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः स्वभाग्यादिरचिद्विष्यते ललनायणे तत्सर्वं तत्र सारेण तेन याप्यमिदं शुभम् क्षणेषु याप्यमाणेऽपि स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यकैः भवत्येव समग्रापि तदा प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदा शत्रुराणिः परमोक्षः श्रूयते स्थानगुञ्जनैः श्रद्धालु भक्तजन अभी तक श्री वेद व्यास जी द्वारा विरचित मार्कंडेय प्राण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशरी जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। इस स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। विशेषतया आपके रोगों शत्रुओं दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है। मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र आई गिरि नंदिनी नंदितमेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवरविन्यचिरोदिनी वासिनी विश्व विलासिनी निर्सुनुते भगवती है जिनि कंठ कुटुम्बनि भूरि कुटुम्बनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपाले Yeah.
Yeah.
अभी अंत में पृष्ठ नंबर 30 पर क्षमा प्रार्थना निकाल लीजिएगा। अथ क्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि श्रद्धालु भक्तजन 3 बार ओंकार अक्षय गनाद करेंगे। एक साथ उच्च स्वर से लंबे स्वर से हृदय से वास निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ, इन पद्म स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो, ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन 3 बार एक साथ ओंकार अक्षय गनाद कीजिएगा। ओ
ओंकारं बिन्दुं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगी जान बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुंजायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ, इस प्रणव अक्षर ओंकार में अकार उकार और मकार के रूप में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही हैं। सचियां ज्योतां वाली माता तेरी जयकारा शेरां वाली जीदा अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है स्वयं पाठ किया है उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें ऐसी माता से प्रार्थना है। अभी आपने श्री देवी कवच का पाठ किया इसी के महात्म पाठ करते हुए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अग्निना दय्य मानस्तु शत्रु मध्य गदोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गता न तेषां जायते किंच शुभम रण संकटे नावदम तस्य पश्यामि शोक दुख भयम् नहि यस्तु भक्त्यास्मिता नूनम तेषां विद्धि प्रजायते ये त्वां सुनन्ति देवेशी रक्षसे तान्न संशयः। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर विभूति दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है उनका निश्चय अभ्युदय होता है। देवीश्री जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। सचियां ज्योतां वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरां वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। जिस प्रकार साल में दो मुख्य नवरात्रि होते हैं वासंती एवं शारदीय इसी प्रकार माघ मास के शुक्ल पक्षी प्रतिपदा से लेकर नवमी पर्यंत तथा आषाढ़ मास के प्रतिपदा से नवमी पर्यंत गुप्त नवरात्र होते हैं और आज गुप्त नवरात्रों का दूसरा जो नवरात्र है। जिस प्रकार दूसरे नवरात्र में नौ देवियों की आराधना की जाती है इसी प्रकार गुप्त नवरात्र में दस महाविद्याओं की आराधना की जाती है और इस समय भक्त यान श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ नवारण मंत्र का जाप श्रीमद देवी भागवत का पाठ करते हैं स्वयं श्रवण करते हैं और इससे उनको पुण्य की प्राप्ति होती है। आज भक्तजन दस महाविद्याओं में दूसरी जो विद्या है तारा देवी का ध्यान कर रहे हैं। भक्ति ये महाकाली जो काली माता ही ये इनका नील रूप होने से ये तारा देवी कहलाई और भक्तों को तारने के कारण ही इनको तारा देवी कहा जाता है। दस महाविद्याओं में इनका दूसरा स्वरूप है और जो भक्तों को वाक शक्ति प्रदान करने वाली है इसलिए इनको नील सरस्वती भी कहते हैं। भयंकर विपत्तियों से छुटकारा दिलाने के लिए मोक्ष की प्राप्ति कराने के लिए भोग की प्राप्ति कराने के इनको उग्र तारा कहा जाता है। इनका नील वर्ण है और नील कमल के समान ही इनके तीन नेत्र हैं। इन्होंने हाथ में खड़ग कमल कपाल इत्यादि धारण किए हुए हैं। ये भक्तों को अमोघ फल प्रदान करती हैं और सर्वप्रथम वशिष्ठ जी महाराज जी ने भारतवर्ष में इनकी आराधना की थी। पहले उन्होंने वैदिक रीति से इनकी आराधना की परंतु उनको सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। फिर उनको अदृश्य शक्ति द्वारा ये संकेत प्राप्त हुआ कि आप तंत्रोक्त पद्धति से जो
तारा माता जी की आराधना करो। फिर उन्होंने तंत्रोक पद्धति से दुर्गा इसकी तारा माता की आराधना की और इससे उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। मेरु पर्वत के पश्चिम की तरफ सरोवर पर इनका जो स्थान है, बिहार के सहरसा जिले में महर्षि नाम प्रसिद्ध गांव में इनका सिद्ध पीठ है और कहते हैं वशिष्ठ महाराज जी ने यहीं पर इनकी आराधना की थी और इनको वहीं सिद्धि प्राप्त हुई थी। आज के दिन तारा देवी की आराधना करके भक्त जन सिद्धि प्राप्त करते हैं और इन गुप्त नाथों विशेष करके जो तंत्र सिद्धि के लिए जो प्रार्थना की जाती है, आराधना की जाती है और 10 महाविद्याओं में आज तारा देवी की आराधना करके भक्त जन जो तंत्र साधना में सफलता प्राप्त करते हैं। आप सभी सौभाग्यशाली ये पुण्यकर्मी हैं जिनको आज द्वितीय गुप्त नवरात्र में माता महाकाली, महालक्ष्मी तथा महान सरस्वती के दर्शन का जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये तीनों महाशक्तियां आदि काल से संपूर्ण विश्वभर में संयुक्त रूप में केवल यहीं विराजमान है, अन्यत्र सम्मिलित रूप में इनके दर्शन दुर्लभ हैं। आप देखते हैं कि कलकत्ता में माता महाकाली जी, मुंबा देवी लक्ष्मी जी तथा मैयर में सरस्वती माता जी हैं, अर्थात अलग अलग स्थानों में अलग अलग देवी हैं, परंतु जहाँ तीनों महाशक्तियाँ संयुक्त रूप से विराजमान होती ही संपूर्ण भारतवर्ष में केवल यही विराजमान है। तीनों महाशक्ति जड़ मूल से एक हैं, ऊपरा के तीन स्वरूप और उन्हीं के चरणों से गंगा स्नान कराती परिक्रमा करती बिहारी हैं, जिसमें आप स्नान करते हैं, चनावत ग्रहण करते हैं और उन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पार गणपति जी महाराज, सूरज, चंद्रमा, बटुक तथा प्रहलाद जी और सातवें महाराज जी का वरद हस्त भक्तों प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान जी शिवलिंग रूप में विराजमान और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र, बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे कलिकाल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है। विशेष रूप से इन गुप्त नवरात्रों में जो आराधना की जाती है उससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अधिक से अधिकम फलम, जितना अधिक आप जप करेंगे उतना ही अधिक फल प्राप्त होगा। आइए इसी निवारण मंत्र का उच्चारण माता के चरण में बैठे हुए हम सभी भक्तजन 3 बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे। सचियां ज्योता वाली माता तेरी सदा, जयकारा शेरा वाली जीदा, बोल सच्चे दरबार की जय। घर में भी नित्य प्रति स्नान उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले, क्योंकि इनमें से एक की भी कमी होने से हमारी गृहस्थी ठीक प्रकार से नहीं चल पाती। केवल हमारे पास धन ही है, विद्या नहीं है, हम बुद्धि के बिना जान नहीं पाएंगे कि धन को कैसे कमाना है, कैसे खर्च करना है, अर्थात करोड़ों की फिजूल खर्ची होगी। और केवल विद्या ही है, धन नहीं है, तो पांडित्य ने शोभते त्वया बिना लक्ष्मी, पंडिताई भी लक्ष्मी ना छुवाड़ी देती, अतः और शक्ति बिना दोनों वस्तुओं का मिलना दुर्लभ है। ये तीनों शक्तियां स्वतः प्राप्त हों, हमें कलिकाल में विशेष उद्धार करने वाले इस निवारण मंत्र का जाप उच्चारण अवश्य करना चाहिए। दुर्गा वैष्णो माता, आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं अपने मन में संजोए माता के प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहें। सचिया जोता बाली माता तेरी सदा, जय करा शेरा वाली जीदा, बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की वेला है, सभी भक्त उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता बेटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री मणिंदर जी से अपनी मधुर बहन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री मणिंदर। जय करा शेरा वाली जी का, बोल सच्चे दरबार की जय। भावना की जोत को जगा के देखिए, भावना की जोत को जगा के देखिए, के बोलती है मूर्ति बुला के देखिए, के
बोलती है मूर्ति बुला के देखिए, आके बोलती है मूर्ति बुला के देखिए, बोलती है मूर्ति बुला के देखिए। Please.
खास मैया का तेरे विश्वास में है बास मैया का तेरे विश्वास में है बास मैया का तेरे विश्वास में बास मैया का श्रद्धा से उसको बुला के देखिए माँ श्रद्धा से उसको बुला के देखिए श्रद्धा से उसको बुला के देखिए श्रद्धा से उसको बुला के देखिए आगे बोलती है मूर्ति बुला के देखिए बोलती है मूर्ति बुला के देखिए आगे बोलती है मूर्ति बुला के देखिए हम भावना की जोत को जगा के देखिए 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 आगे बोलती है मूर्ति बुला के देखिए बोलती है मूर्ति बुला के देखिए आगे बोलती है मूर्ति बुला के देखिए हाँ बोलती है मूर्ति बुला के देखिए मिटा कर तू खुदी माथो ध्या कर देख ले हाँ मिटा कर तू खुदी माँ को ध्या कर देख ले मिटा कर तू खुदी माँ को कर देख ले वो चली आएगी तोड़ी बुला कर देखिए बजाया था मझे धार से मैया ने बजाया था मझे धार से मैया ने बजाया था मझे धार से हस्ती को अपनी मिटा के देखिए हस्ती को अपनी मिटा के देखिए हस्ती को अपनी मिटा कर देखिए हस्ती को अपनी मिटा कर देखिए के बोलती है मूर्ति बुला के देखिए बोलती है मूर्ति बुला के देखिए हाँ हाँ के बोलती है मूर्ति बुला कर देखिए जयकारा
शिरोमणि जी का मूल सच्चे दरबार की जय। एक भजन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री विजय कुमार। जयकारा शेरां वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। शेरां वाली दा गया संदे हो मां। शेरां वाली दा गया संदे हो सपतां होइयां कथियां। दरबारी दा गया संदे शेरा वाली दा मेरा वाली दा शेरा वाली दा मेरा वाली दा गया संदे वो सब तना होना कठियां। शेरा वाली दा गया संदे सब तना होना कठियां। मेरा वाली दा गया संदे सब तना होना कठियां। मेरा वाली दा गया संदे शेरा वाली दा मेरा वाली दा जूता वाली दा गया संदे वो सब तना होइयां कठियां। मेरा वाली दा गया संदे वो सब तना होइयां कठियां। सुनावा एक सिफत माद सुनावा
बदो बदने सप्त मामा बदो बदन सप्त मामा बदो बदन सप्त जोता दे विच परवे जोता दे विच परवे वाली दा गया संदेश सतो भैना हुई कठियां वाली दा गया संदेश सतो भैना हुई कठियां वाली दा गया संदेश सतो भैना हुई कठियां छटे अपना छटे अपना ओ छटे अपना अपना देश ओ सतो भैना हुई कठियां अपना अपना देश सतो भैना हुई कठियां सप्तदर ते खेदन आईया सप्तदर ते खेदन आईया सप्तदर ते खेदन आईया सप्तदर ते खेदन आईया इक दूजे नु देन बधाईया इक दूजे नु देन बधाईया इक दूजे नु देन बधाईया हां इक दूजे नु देन बधाईया रंग बिरंगे ते वाली दा गया संदेश सत्त भैणा कठियां चंचल मां दे बच्चे आओ ढोलियां पर पर के लै जाओ ढोलियां पर पर के लै जाओ ढोलियां पर के लै जाओ ढोलियां पर के लै जाओ अपने अपने दे ओ सतो भैणा होइया कठियां शेरों वाली दा गया संदेश सतो भैणा होइया कठियां छड अपना ओ छड अपना छड अपना ओ छड अपना छड अपना अपना देश ओ सत सना ना कठिया ओ रो वाली दा गया संदेश सतो भैणा होइया कठिया ओ सत सना ना कठिया ओ सतो भैणा होइया कठिया ओ सतो सना होइया कठिया ओ सतो भैणा होइया कठिया ओ सतो सना होइया कठिया ओ सतो भैणा होइया कठिया सतो भैणा होइया कठियां सतो भैणा होइया जयकारा शिरोमणि जी का बोल सच्चे दरबार की जय एक बहन पुत्र कर रहे हैं श्री यशपाल जयकारा शिरोमणि दा दरबार की जय मैं फड़िया लड़ तेरा दाते मैं फड़िया लड़ तेरा फड़िया लड़ तेरा दाते फड़िया लड़ तेरा कोई आसरा मेरा दाती कोई आसरा मेरा कोई आसरा मेरा दाती कोई आसरा मेरा फड़िया लड़ तेरा दाती मैं फड़िया लड़ तेरा मैं फड़िया लड़ तेरा दाती मैं फड़िया लड़ तेरा मात भवानी संकट हर दे मात भवानी हर दिन एवें लंघदा जावे गीता यत्न बथेरा दाती गीता यत्न बथेरा हाँ गीता यत्न बथेरा दाती मैं गीता यत्न बथेरा मैं फड़िया लड़ तेरा दाती मैं फड़िया लड़ तेरा हाँ मैं फड़िया लड़ तेरा दाती मैं फड़िया
Thank you.
समस्त तुरमु विमने कुरूपा
सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जय करो शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। आज बिकवादी शुभ संबत 2075 उत्तरायण दक्षिण गोल शिशिर ऋतु माघ मास की आज 24 प्रविष्ट हैं। शुक्ल पक्ष की आज द्वितीय तिथि है बुधवार। तदनुसार 6 फरवरी सन 2019 के दिन दुर्गा वैष्णो माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांग में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनको आज द्वितीय गुप्त नृत्य में माता तारानंद की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इनकी आराधना करने से साधारण मनुष्य भी बृहस्पति के समान विद्वान बन जाता है। आप सभी का माता जी के दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव पुत्रवान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञावान भव भूरी भूति करने दाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव बैरी दर्प दलने व्यापार दक्षो भव श्री शंभो भव पाद पूर्णता सर्वोपकारी भव मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुना बुद्धिनाशोस्तु मित्राणामुदयस्तव श्रीर्वर्चस्स आयुष्मारोग्य मामेदात् शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। आपकी दीर्घायु हो, आपका आरोग्यता प्राप्त हो, आप धन धन से संपन्न हो। जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों। अब सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्तियों उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी आरती बोलेंगे। सामने दीवार पर आरती लिखी हुई है, आपकी पुस्तिका के अंत पृष्ठ पर भी आरती है, सभी बोलेंगे। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी तुम को निश दिन ध्यावत मैया जी को निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव ओम जय अम्बे मैया जी को मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदन को ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेव रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे पुष्प गल माला रक्त पुष्प गल माला कंठन पर दाजी ओम जय अम्बे गौरी हे हरि वाहन राज खड़ग खपर धारी मैया खड़ग खपर धारी तोर नर मुनि जन सेवत तोर नर मुनि जिनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नाताग्रे मोती मैया नाताग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर समराज ज्योति ओम जय अम्बे गौरी चुम्बन चुम्ब विदार मई चातुर घाती मैया मई चातुर घाती सोम्र विलोचन नैना सोम्र विलोचन नैना इस दिन मधमाती ओम जय अम्बे गौरी मुंड संहार
करके गुफा द्वार पर पधार चुके हैं। इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे। तत्पश्चात माता जी आरती होगी। आरती आप सभी भक्तों के बीच में आएगी। सभी भक्त जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना। प्रेम से बोलो जय माता दी, रल मिल बोलो जय माता दी, अहोय मेला जय माता दी, प्रादा मेला जय माता दी, आत मेला जय माता दी, आप नदी जय माता दी, सत गदानी जय माता दी, मेरा गति जय माता दी, अभी सभी भक्त यहाँ दोनों हाथ जोड़ करके माता जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे।
ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम देहि मे परमं सुखम रूपं देहि जयं देहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज आरती प्रारंभ करते हैं। सभी भक्त जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती अक्रम देखिएगा। जय माता दी। तृतीय सिमरा शारदा मेरे कार्य करो हमेश आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण मैयाज पर जो सच गई यो चरणा दा जान
खड़गम सकल देशु जाप बलिदान चोलम बजुंजन चिरा शंकर कंदर देंगरे सिनायना सर्वांग भूषा विदान लीला शोध विमास वाद दशका देवे महाकालिका या मस्तो सुमिते हरो कमल रो हंसम धूमकेतव अक्षा पर शुंग देश पुलिस पदम धनुष्कुंडिका दंडम शक्ति मदिंज धर्म चरण रंता सुराजन शूलम भाज सुदर्शन जदति हस्ते प्रसन्ना देवे देवर्जनी लक्ष्मी सरोजना घंटा शूलहराणी चंद्र मुदरे चक्रम गरोदायन हस्ता देवेन्द्रांत विरस श्वेता सुदुर्ल प्रभा गौरी देह समुद्रवाजता आधार भूता मान पूर्वा मंत्र सरस्वती मनुभजे शुंभाजादनी तुमेव माता पिता तुमेव तुमेव बंधो जगा तुमेव तुमेव विद्या जगणं तुमेव तुमेव सर्वं देव देव शाकाकारं गुणरचयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गणरत्नं मेघवर्णं सुभागं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विश्ववरं सर्वलोकैकनाथं अच्युतं यजवं रामनारायणं विशुदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं वाल्मीकिनायकं श्रीरामचन्द्रं हरे मुरारे मधुके द्वारे गोविन्द गोपाल माखनं यशोदे ज्ञानं प्रदेहि शरणं प्रदेहि विद्या प्रदेहि भगवन् नमोस्तुते हे माई मेरी सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा पंच पुना राली माता तेरी सदा सर्वसदा भला करने वाली माता तेरी सदा सारे संसार में शांति देने वाली माता तेरी सदा भुला चुका माफ करने वाली माता तेरी सदा लंगड़ा भीर ढाको तेरी सदा बोलो सच्चे दरबार की जय धर्म की जय धर्म की जय धर्म की जय अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में प्राणियों में प्राणियों में विश्व का प्यार हो विश्व का प्यार हो विश्व का प्यार हो भारत वर्ष भार हो भारत वर्ष भार हो भारत वर्ष भार हो बोलो हर 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 महादेव बोलो बाबा श्रीधर की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय जयकारा माँ शेरावालिदा बोलो सांचे दरबार की जय। आप सभी भक्तों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। Thank you.
वही तो मैं बोल रहा हूँ।